क्या बना रहे हो? पहेली सुन जाओ और खुश हो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हमारे संस्थान में दीवार पत्रिका के निर्माण के लिए सभी लोग जो है लगे हुए हैं। कोई चित्र बना रहा है, कोई कविता निर्माण कर रहा है, कोई स्लोगन लिख रहा है, कोई वर्ग पहेली बना रहा है। तो अलग अलग कार्य सभी लोग जो हैं अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा मल्टीपर्पज हॉल, तो एक बार देख लीजिए। सभी ग्रुप जो हैं लगे हुए हैं। तो पहला ग्रुप आपको मैं दिखाता हूँ, मुरारी, ये बना रहे हैं वर्ग पहेली, मुरारी और राकेश। साथ ही जो है फौजी सर और सुशील भाई बना रहे हैं पजल। आप देख सकते हैं ये पहेली है सब्जियों की। ये दूसरा ग्रुप है, ये लोग बना रहे हैं अधूरी कहानी, नहीं ये चित्रित कहानी है शायद। और ये है अभिषेक राणा और साथ में कौन है, हितेश जोशी। इन दोनों का ग्रुप है, तो इनकी है चित्रित कहानी। और इधर बैठे हुए अधूरी कहानी वाले, ये हैं अमित कुमार सर, तो इनकी अधूरी कहानी अभी तैयार हो रही है। और इनके साथ में है सूरज नेगी, अमित कुमार और सूरज नेगी। तो ये है मुजाहिद सर, ये बना रहे हैं स्लोगन पे। और इनके साथी हैं सामने अंकित, सारा काम मुझे लग रहा है अंकित ही कर रहे हैं। और मुजाहिद केवल उसमें नाम लिखवाएंगे अपना। तो इधर है इकराम सर, ये बना रहे हैं पोएम पे। तो पोएम के लिए उन्होंने डायग्राम बना दिया है और इसके बाद वो बनाएंगे पोएम। और इधर हमारे महान कवि जितेंद्र, तो इनको मिला है, क्या मिला है विनाश? स्लोगन। इन दोनों को स्लोगन दिया गया है, तो स्लोगन पे काम कर रहे हैं। और इकराम सर के साथी अनु सर, तो ये भी इनके साथ कविता निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी शायद चित्रित कहानी बना रहे हैं। तो इनका ग्रुप है दीपक नेगी और सुमित शाह। दीपक, तो इन्होंने लगभग तैयार कर लिया है। इनके ठीक सामने बैठा हुआ है ग्रुप सुभाष दसमाना और अमित रावत का। और उधर दिवाकर अकेले अकेले काम कर रहे हैं, इनके साथी शायद बाहर घूम रहे हैं अभी। तो ये लोग बना रहे हैं योगा पे। और सूर्य नमस्कार का ये पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हम करते हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। तो इनका ग्रुप है रश्मि और भारती, भारती इधर देखो, पूनम भारती। तो इन्होंने बना दिया है लगभग, थोड़ा सा इनका काम बचा हुआ है। और ये है राहुल भाई, ये मेरा ग्रुप है, मैं भी इनके साथ ही हूँ। तो हमारा भी लगभग पूरा हो गया है, हम ये बना चुके हैं। तो हमें भी चित्रित कविता मिली है, हमें कहानी नहीं मिली है, कविता मिली है, चित्र के साथ कविता हमें बनानी है। तो ये हैं काजल मैम और उधर हैं दिव्या मैम, ये बना रहे हैं, एक बना रही है थीम और एक अंतर पहचानो, चित्रों में अंतर पहचानो। तो एक बार इधर देखना काजल मैम। तो ये ग्रुप है पिंकी मैम और प्रिंसी मैम का, एक बार इधर देखना। ये बना रहे हैं कछुआ पहेली, क्या बना रहे हो? पहेली सुन जाओ और खुश हो जाओ। एक ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है जिसमें है अजय और पंकज। अजय इधर देखना, आप क्या बना रहे हो? अजय अंतर पहचानो। तो इनको भी जो टॉपिक मिला है अंतर पहचानो, इन चित्रों में आपको अंतर पहचानना है। अजय पंको अभी कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें कलर होगा। ये है अंतर पहचानो, इनका कंप्लीट हो गया है। क्या बन रहा है? ये संवाद बन रहा है, संवाद। तो ये है रिचा मैम और साथ में है सपना मैम। और ये है हमारे डाइट की सेकेंड टॉपर, तो मैम की हेल्प हम लेते हैं हर काम में। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं हिमानी मैम और कुलवंती मैम, ये लोग भी चित्रित कहानी का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे बना रहे हैं चित्र और इधर कहानी का निर्माण कर रहे हैं हिमानी मैम।
एक बार इधर देखना। तो ये दीवार पत्रिका, इस पर सारे जो हम काम कर रहे हैं उनको हम इस पर चिपकाएंगे अभी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे साथी प्रशिक्षु राहुल साहब, हमें कविता निर्माण के लिए दिया गया है जो हमारी प्रवचित कविता है। चंदा तारे कितने सारे, रोज रोज फिरते बेचारे, सूरज के ये दोस्त नहीं है, बच्चों के ये मामा चाचा, बड़ों के ये देव विधाता। उसके बारे में बताता हूँ। एक गांव में एक जमींदार जाता है, उसके चार लड़के, तीन लड़के काम की वजह से शहर जाकर रहने लगते हैं और उसके पास में एक छोटा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मैं अपने साथी प्रशिक्षु पंकज सिंह द्वारा आपके सम्मुख दीवार पत्रिका उत्साह के लिए जो हमें टॉपिक दिया गया था, इनमें दो चित्र दिए गए हैं जिनमें कि आपको पांच अंतर ढूंढने हैं। अगर आपको देखते हैं इनमें, जैसे पहला अंतर है कि ये पुस्तक पढ़ रहा है तो एक पुस्तक में एबीसीडी लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है, दूसरी पुस्तक में अ आ लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला अंतर हुआ कि ये पुस्तक की दोनों अलग अलग है, ये इंग्लिश की है और ये हिंदी की पुस्तक है। दूसरा अंतर बताएंगे हमारे सारे इसमें। दूसरा अंतर, इसमें दूसरा अंतर इस प्रकार है कि बच्चे की जो
आप जब देख रहे होंगे तो फिर क्या होता है कि वो आप रोने लगता है और अकेले में जैसे वो रोता रहता है उसे भाभी देखता है और भाभी से पूछता है कि तुम रोते रहे हो तो यही कहानी आपको इसमें आगे क्या होता है कि जब वो आगे के बच्चे से पूछता है कि तुम रोते रहे हो तो अपनी पूरी जो परिवार से रिलेटेड की कहानी है उसको बताता है और इसके बाद वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। एक दिन फिर जो चौथा चरण है होता ही है कि एक बार जो आगे होता है वो नदी किनारे नहाने जाया होता है तो उस समय वहाँ पे आदि का एक नहाता होता है तो भालू को लगता है कि शायद मेरे दोस्त का परिवार हो सकता है तो वह अपने दोस्त नैनों को बताता है और यहाँ पर नैनो और उसका परिवार उसे फिर से मिल जाता है। इसमें क्या है कि कहानी में वस्तु और स्थान के नाम पर उनका चित्र बनाया गया है जिसके द्वारा मुझे मेरे पढ़ता है उसका नाम होता है उत्तराखंड। इस कहानी में एक गरीब किसान है जो गांव के लोग अपने गांव में रहते हैं और लंबे काटे जंगल को जाता है वहां से एक मिलते हैं जहाँ किसान खाने के सकते होते हैं वो उन्हें लेकर अपने घर चला जाता है। धन्यवाद सबको। मेरा नाम अमित सिंह रावत है और मेरे साथ हैं सुभाष दशवाणा जी। हमें इस पर विवाद पत्रिका पर हमें विशेष विषय मिला था मेरा अनुभव तो इसके बारे में आपको दशवाणा जी को बताएंगे। मेरा अनुभव के विषय में हमारा लेखन इस प्रकार है। हमारे ये समस्या का आरंभ 1 जुलाई से हुआ। संस्थान में आने के पश्चात हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। नए सेमेस्टर के साथ ही प्रशिक्षकों ने नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिक्षकों द्वारा सभी प्रशिक्षकों का स्वागत किया गया तथा संस्थान में होने वाले आगामी गतिविधियों के विषय में अवगत कराया गया। 15 जुलाई को हरेला पर्व प्रदेश भर की तरह हमारे संस्थान में भी मनाया गया जिससे संस्थान को स्वच्छ वातावरण से आच्छादित किया गया। हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए आज हिंदी दीवार पत्रिका उत्साह के उत्सव पर हमें टॉपिक मिला था पहेलियाँ। उस पर हमने कछुए के रूप में पहेलियों का निर्माण किया है जो आपको मेरे साथी प्रशिक्षु पिंकी बताएंगे। इसमें सबसे पहली पहेली है, एक पहेली मैं बुझाऊं सिर को काट नमक छिड़काए बताए बताए क्या। इसका आंसर है खीरा। वैसी दूसरी पहेली है, मैं हरी मेरे बच्चे काले मुझको छोड़ मेरे बच्चे खा ले बताओ क्या बोलो। इसका आंसर है इलायची। और पैर नहीं मैं पर चलती रहती हूँ दोनों हाथों से अपना मुंह पूछती रहती हूँ बताओ क्या घड़ी। अब परविंदर बताएंगे इस पहेली का आंसर। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली बच्चे बूढ़े डर जाते सुनकर मेरी बोली बताओ। बंदूक सही बंदूक। धन्यवाद। हमारा टॉपिक था मेरे अनुभव। तो मैंने अपने अनुभव इस पत्रिका में लिखे हैं दीवार पत्रिका में तो मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। तो बात बहुत साल पहले की है। मेरी उम्र करीब 7 से 8 वर्ष की थी तो हमारे शहर में एक मेला लगता था। बेसिकली मैं श्रीनगर की हूँ तो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला ही लगता है। मेले को लेकर मुझे बहुत उत्सुकता रहती थी क्योंकि मेला घर के पास लगता था तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचते थे तो पहले अंदर जाने की जगह नहीं होती थी और जैसे ही अंदर पहुंचते थे तो काफी भीड़ लगती थी। दुकानदार तो जैसे ही अंदर जाते तो हम क्या देखते थे, दुकानदार अपनी चीजों को बेचने के लिए तरह तरह की आवाज निकालकर ग्राहकों को लुभाते थे। इसके अलावा मेले में बड़ी बड़ी चरखियां झूले तथा एक किनारे पर टेंट के अंदर जादू दिखाने वाला एक जादूगर भी होता था। मेले का मुख्य आकर्षण था रंग बिरंगे गुब्बारे। क्योंकि उम्र ऐसी थी उस समय खिलौने और खाने पीने वाली चीजों से ही मतलब रहता था इसलिए मैंने मेले से बॉल और कैंडी ली और काफी घूमने के बाद हम शाम को घर वापस चले गए। एक बार दिखाना है आपने जो बनाए। ये है हमारा अनुभव। तो इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें अपने हर एक पल को एंजॉय करना है। थैंक यू। एवरीबॉडी, मैं इकराम अली और मेरे साथी प्रशिक्षु अनुज भंडारी।
वो दीवार पत्रिका में चित्रात्मक कविता का टॉपिक मिला था। हमारी जो कविता का शीर्षक है सूरज निकला पूरब में, तो कविता के मैं बताता हूँ, सूरज निकला पूरब में छिप जाता पश्चिम में, रात रात भर तू कहाँ रहता है ढूंढूं तुझको आंगन में, दिनियों अगला चढ़ जाता है हर दिन खुशियों से भरता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूनम और मेरी साथी प्रशिक्षु रश्मि रावत, हम दोनों जो हमारा टॉपिक था दीवार पत्रिका के लिए वो था सूर्य नमस्कार योगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योगा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, योगा से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और योगा के ये जो सूर्य नमस्कार के जो आसन है वो आपको रश्मि बताएंगे। हमारे पास सूर्य नमस्कार में यहाँ 12 आसन है। पहला आसन है प्रणाम आसन, फिर उत्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचाल आसन, दंडासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, अधोमुख शवासन, इसी को पर्वतासन भी कहते हैं, अश्व संचालासन, फिर से पाद हस्तासन, हस्त उत्तासन और प्रणाम आसन। इसके द्वारा हम बच्चों को योग के प्रति जागरूक करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक करेंगे। नमस्कार, मैं अमित शाह और मेरे साथी प्रशिक्षण विपुल द्वारा दीवार पत्रिका के लिए ये वर्ग पहेली तैयार की गई है जिसका शीर्षक है फल, जिसके द्वारा हम बच्चों को फलों का ज्ञान कराएंगे, जिसमें उन्हें शब्दों का ज्ञान भी होगा, साथ ही साथ उनके तर्क शक्ति का विकास भी होगा। धन्यवाद। मैं जितेंद्र और मेरे साथी अविनाश, हमारे जो दीवार पत्रिका है उसके लिए हमें जो टॉपिक मिला है वो मिला था स्लोगन निर्माण का। तो हमने कुछ स्लोगन तैयार किए, उनमें से एक हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्लोगन इस प्रकार से है, कोई ना छूटे इस बार शिक्षा है सबका अधिकार। तो हम इसे एक बार बोलेंगे और आगे से आप दोहराएंगे, शिक्षा है सबका अधिकार। कोई ना छूटे इस बार शिक्षा है सबका अधिकार, कोई ना छूटे इस बार शिक्षा है सबका अधिकार। धन्यवाद। तो हमारी दीवार पत्रिका तैयार हो चुकी है जिसमें सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। काफ़ी कम समय, केवल 2 या 2.5 घंटे के अंतराल में हमने इसको तैयार किया है। तो सभी प्रशिक्षुओं ने इसमें अपना अपना योगदान अपने अपने स्तर पे दिया है।